में लिखा गया होगा ना। ये सर पहले विश्वविद्यालय में तंबू लगा के रहते थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जबरन इनका तंबू उखाड़ के फेंक दिया गया। तब ये कल से जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और कल शाम को इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्डों के माध्यम से हम लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि आपके साथी की तबीयत ख़राब है, तो हम लोग मौके पर यहाँ पर पहुँचे। हमारे यूनिवर्सिटी में हेल्थ सेंटर है जो कि सिर्फ नाम का है, उसमें करोड़ों रुपए आते हैं लेकिन गबन कर लिए जाते हैं। उसमें दवा नाम की एक भी कोई चीज़ नहीं है, प्राइमरी ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग डॉक्टरों को इन्फॉर्म किया, जो कि वहाँ पे एक रुचि हैं मैम, वो नाइट शिफ्ट में उनकी ड्यूटी लगी थी, उनको हम लोग फ़ोन किए तो काफ़ी देर बाद उनका फ़ोन रिसीव हुआ। फिर उन्होंने एम्बुलेंस को बोला तो एम्बुलेंस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 25 मिनट का टाइम लग गया। फिर हम लोग वहाँ पे प्रॉपर इनको लेके पहुँचे। वहाँ उस हॉस्पिटल में हेल्थ सेंटर में कोई ट्रीटमेंट नाम की चीज़ नहीं है, इनको वहाँ से रिफ़र कर दिया गया लोग बंधु। हम लोग बोले कि हम इनको नहीं जानते हैं, क्योंकि देखिए अगर इनको कल कुछ हो जाएगा तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो हेल्थ सेंटर का कोई भी जिम्मेदार डॉक्टर वहाँ पर चले, तो काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद ये लोग तैयार हुए। लेकिन वहाँ पर ये लोग बंधु में मात्र 5 मिनट इनके साथ रहे, उसके बाद इसको छोड़ के चले आए। पूरी रात हम लोग इनके साथ लगे हुए थे। हालत वही है कि ये इसको बार बार हम कह रहे हैं कि ओरली अगर ये ले लेगा, ओरली अगर लेगा कुछ तभी ये ठीक होगा। इसका ग्लूकोज का लेवल वही है, अगर ये खाना नहीं खाएगा तो वो जाएगा ही कम। कल भी यही हुआ था, इसका पेट कड़ा हो गया था, उस परिस्थिति में ओरली कुछ दिया नहीं जा सकता था। जो चीज़ ओरली नहीं दी जा सकती थी, तो फिर उसके लिए जो हॉस्पिटल को जो इसकी रिक्वायरमेंट थी और जो आवश्यकता थी, उसी के अनुसार ना ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इसकी हेल्थ के बारे में आपने यहाँ के अधिकारियों को बताया? हाँ, मैंने तुरंत सबको रिपोर्टिंग कर दी थी, और इवन मैं साथ में गया था इसको ले जाके लोग बंधु में एडमिट कराया था। अच्छा, तो क्या अधिकारी क्या कह रहे हैं अभी? अधिकारियों ने कहा कि ठीक है, और दे आर स्टिल डूइंग द मीटिंग। अभी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कल DSW बाहर थे, यहाँ नहीं थे, आज आने के बाद वो यही मीटिंग कर रहे हैं। अब अभी हम पिछले एक घंटे से यहाँ खड़े हैं, हम उसको समझा रहे हैं कि खा लो, ठीक है, खाओगे तभी तो तभी तो अपनी बात रख पाओगे। नहीं तो क्या हो सकता है, मतलब अगर मान लिया नहीं खाता है जैसे शाम तक या नहीं खाता है शाम तक, तो रिजर्व बॉडी में अलग रहता है, लेकिन उसकी कंडीशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। उसको कल ही नहीं, कल सुबह खाया नहीं खाया, कल एक दिन में ही तबीयत खराब हो गई, तो वो तो तबीयत खराब होना एक अलग है। उसके लिए हम लोग है ना, स्वास्थ्य के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो एडमिनिस्ट्रेशन कर। लेकिन आपने मतलब इसके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी दी है? जी हाँ, सबको मालूम है।